सुबह जो दूध आपने अपने बच्चे के लिए गर्म किया स्कूल जाते हुए, आपने स्कूल दूध और आपने सैंडविच या पराठा रखा, वो दूध तो दूध है ही नहीं, वो दूध तो पेस्टिसाइड है। तो आपने सबसे पहले अपने बच्चे को वो पेस्टिसाइड पिलाया। जहां हम किसानों को लेकर आज निश्चिंत होकर बैठे हैं कि उनका रोजगार पता नहीं कैसे चल रहा होगा, क्योंकि उन लोगों ने तो हमेशा से यही किया था। शायद कुछ धाराएं कड़ी होंगी तब जाके इस तरह का उत्पादन बंद होगा और पशुओं को ज्यादा आप पाल पाएंगे और आप पालने का साधन कम से कम जुटा पाएंगे। कई सारी गौशालाएं हैं जहां से हम कनेक्ट हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एट नाइन, मैं हूं आपके साथ हरीश असवाल। आज और इस हफ्ते हम कुछ खास करने जा रहे हैं और इस हफ्ते पूरा हम खाद्य पदार्थों को लेकर बात करेंगे, जिसमें से आज पहला दिन है और पहले दिन में हम सिर्फ दूध को लेकर बात करेंगे कि दूध कितना अहम, कितना खास और कितना जरूरी हमारे जीवन का हिस्सा, इसका उत्पादन कितना है और खपत कितनी है, इसके फायदे कितने हैं, इसका नुकसान कितना है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से पूरे हफ्ते हम किसी न किसी खाद्य पदार्थ को लेकर आपके बीच में फायदे और नुकसान को लेकर बात करते रहेंगे। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि पहले दूध वाला हमारे घर पर आता था, वो भी एक डोलची लेकर, या हम डोलची लेकर दूध वाले के पास चले जाते थे। याद आ रहा होगा आपको कुछ ना कुछ, मेरी उम्र के लोगों को तो खासकर याद होगा कि जहां पर हम दूध वाले के पास जाते थे एक डोलची लेकर, और वो हमें गाय या भैंस का दूध निकालकर हमें डोलची में दे देता था, जिसकी फुल गारंटी होती थी कि ये शुद्ध है और बिल्कुल जानवर से ही निकला हुआ दूध है। आज वो डोलचियों की जगह दूध के पैकेट ने ले ली, या तो आप सुबह सुबह आपके घर के डोर पे वो रखा हुआ मिलता है, या आप पैकेट को लेने दुकान पर पहुंच जाते हैं। अब इसमें आप बोलेंगे कि यार दूध तो दूध है, दूध को हम, दूध हम तक आए या हम दूध तक गए, बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, अब इतना ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, सुबह सुबह उठाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ माता पिताजी दादा दादी आपके उठाते थे, जाओ दूध लेके आओ, या दादाजी आपके दूध लेके आ जाते थे, वो समय भी बड़ा अच्छा था जहाँ एक सैर भी हो जाती थी और दूध भी आ जाता था, और आज दूध आपके घर तक पहुँच जाता है। चलिए कोई नहीं, दूध तो दूध है, दूध तो पहुंचना चाहिए, पर दूध सही में दूध है इसके बारे में चर्चा करनी जरूरी है। हमारे देश में कितना दूध उत्पादन होता है और कितनी खपत, हमारे देश में 17 करोड़ टन दूध का उत्पादन करते हैं और खपत है 64 करोड़ टन। तो सोचिए कि 4 गुना गैप जो दूध का है वो कहाँ से पूरा हो रहा है। अब आप बोलोगे कि इम्पोर्ट कर रहे होंगे हम लोग, इम्पोर्ट भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं दूध। आपको बता दूं, इस बात को जरा ध्यान से रखिएगा, बाकी मेरे बगल में आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी, आप इसको जरूर पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए ही, इसको मैं ना आज शेयर करने को बोलूंगा ना कुछ बोलूंगा, आज मैं सिर्फ चाहूंगा कि आप से पढ़े जरूर, और अपने जीवन में आप क्या ऐसा कर रहे हैं और क्या ऐसा हो रहा है आपके जीवन में जिसको आप सोच भी नहीं पा रहे हैं कि आप कितना बड़ा गलत सुबह सुबह आंख खुलते ही करते हैं। तो 17 करोड़ टन का दूध का उत्पादन है, जिसमें से मिठाइयां भी खाते हैं आप, मिठाइयां भी बनती हैं आप, दही भी लेते हैं, सब चीज़ें लेते हैं, और दूध की खपत भी पूरी है, जिसमें 64 करोड़ टन जो है हमें दूध चाहिए और हमें मिल रहा है 17। तो बीच का जो फिलर है वो फिलर कहाँ से आया, तो ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, मेरे बगल में और भी आपको नाम मिल जाएंगे, जब किसी ने रिसर्च करी तो पता लगा कि दूध जो है पेस्टिसाइड से बन रहा है, तेल से बन रहा है। अब सोचिएगा कि सुबह सुबह जो दूध आपने अपने बच्चे के लिए गर्म किया स्कूल जाते हुए, आपने उसके लिए दूध और आपने सैंडविच या पराठा रखा, वो दूध तो दूध है ही नहीं, वो दूध तो पेस्टिसाइड है। तो आपने सबसे पहले अपने बच्चे को वो पेस्टिसाइड पिलाया। पर ह्यूमन टेंडेंसी कहां मानने वाले हम कहते हैं कि हमारे घर में असली आता है, पड़ोसी के घर में हो सकता है वो नकली पैकेट गया हो, यही पड़ोसी भी सोचता है। पर हमें इसकी जड़ों तक जानने की जरूरत है कि हमारे घर में वाकई में ही वो दूध का पैकेट, जिसको हम, मैं आज नाम दूं स्लो पॉइजन, जो हम दे रहे हैं अपने बच्चों को,
पहले के समय में फिर ले चलता हूं मैं आपको, जहां आयु 80 से 90 साल के हमारे दादा दादी हुआ करते थे, आज वो आयु 60 से 65 में 80-90 साल वाली सूरत दिखाई देती है। पहले तो पॉल्यूशन चैम्बर के अंदर हम लोग रहते हैं, जहां हम पॉल्यूशन, वो खुद का क्रिएट किया हुआ पॉल्यूशन है, इसमें कोई प्राकृतिक का कोई दोष नहीं है, वो दोष भी हमारा ही है और ये दूध का दोष भी हमारा ही है। इन दोनों दोषों को हमें समझना होगा कि हम अपने जीवन से कितना बड़ा खिलवाड़, अपने बच्चों को हम कहाँ बात करते हैं कि हम उनको स्वस्थ जीवन देंगे, और सबसे पहले उठते ही सुबह वो स्वस्थ जीवन के नाम पे हम वो दूध का पैकेट, जो कि आपको पता भी नहीं है कि वो नकली है, वो किसी तेल से बना हुआ है क्या, किसी डिटर्जेंट से बना हुआ है, ये आप सोच भी नहीं सकते। वो दूध बिल्कुल सफ़ेद होगा, गर्म भी वैसी होगा, सब कुछ हुआ है, मलाई भी बिल्कुल वैसी ही जमेगी, आपको असली और नकली की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आप इस चीज़ को आगे बढ़ जाओगे तुरंत कि कोई बात नहीं, मेरे घर में असली है, पर नहीं। मतलब ये समझिए कि 17 करोड़ टन दूध में से 64 करोड़ टन दूध जब बन रहा है, तो मतलब जो एक तिहाई भाग और है वो कहाँ से आया, कैसे आया, दूध की मिठाई बन गई या दूध आपने पी लिया, इस असमंजस में आप हमेशा रहेंगे। अब हमने दूध की बात करी तो दूध में हम किसानों को भूल गए, उन किसानों को जिनके घर में हम डोलची लेकर जाते थे, वो पालते थे और हमें वो शुद्ध दूध देते थे। वो किसान भी लुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और लुप्त करने में किसी और का भागीदार नहीं है, हम सब का है। जहां हम किसानों को लेकर आज निश्चिंत होकर बैठे हैं कि उनका रोजगार पता नहीं कैसे चल रहा होगा, क्योंकि उन लोगों ने तो हमेशा से यही किया था, आपको अच्छे ऑर्गेनिक फसलें दी, दूध दिया, पर हम लोग उनको भूल गए। और पलायन भी इसी कारण हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने उनके पास डोलची लेकर पहुंचे ही नहीं, उनको वो रोजगार ही नहीं दिया। तो इसी कारण से धीरे धीरे वहां से पलायन भी होने लगा, किसानों की रोजगार भी कम होने लगे, और दूध के ये सस्ते पैकेट जो 35 रुपए के आसपास आपको मिलता है, ये किसान की कहीं ना कहीं मेहनत पर एक तरह से बट्टा लगाते हुए, क्योंकि हम सस्ते के चक्कर में नकली खरीद के लाते हैं और किसान को सही मूल्य ना मिल पाए, इसके कारण किसान भी पशु रखने में अब असमर्थ सा हो गया है। अब असमर्थ होने के बाद किसान, कई बार हम ये नहीं कह सकते कि 100% किसान बिल्कुल सही हैं, उनके अंदर लालच नहीं आता, लालच भरने वाले भी हम लोग हैं और लालच में आने वाले भी हम ही लोग हैं। अगर हम इसका कोई तोड़ ढूंढ पाए तो हम सबको इस पर चर्चा करनी चाहिए कि दूध का तोड़ क्या हो सकता है, सरकारों से भी पूछना चाहिए। और जबकि सरकारें कई बार ऐसी सब्सिडी लेके आती हैं जहां पशुओं के ऊपर, कि पशुपालन के ऊपर सब्सिडी, कि अगर आप एक गाय या भैंस लेते हैं तो उसके ऊपर 50% तक सब्सिडी रहती है, तो हम एक समूह बनाकर भी इस चीज़ को हम दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारे घर में जो दूध आ रहा है, वो स्लो पॉइजन जो आ रहा है, हम अपने बच्चों को कैसे पिला सकते हैं। शायद कल से आपका हाथ कांपे उसको पिलाने से पहले, और आप एक बार जरूर सोचेंगे कि मैं ये दूध जो मैंने पिलाया अपने बच्चे को, ये मैंने कितना गलत किया। तो Bharat@9 में मैं इस तरह की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे दुख है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं जो इसका साक्षी हूं, और ये रोज़ ये इस अपराध मैं अपने घर में भी करता हूँ। तो मुझे लगा कि इसमें एक तरह का ये अपराध के बारे में चर्चा होनी चाहिए। अब रही नकली दूध बनाने वालों को, इन पे खास कार्रवाई होनी चाहिए, इन पे नियम इस तरह के सख्त होने चाहिए जहाँ कहा जा सकता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब 307 का केस चलना चाहिए कि इन्होंने एक तरह से स्लो पॉइजन आपको दिया। शायद कुछ धाराएं कड़ी होंगी तब जाके इस तरह का उत्पादन बंद होगा और पशुओं को ज़्यादा आप पाल पाएंगे और उनको आप पालने का साधन कम से कम जुटा पाएंगे। कई सारी गौशालाएं हैं जहां से हम कनेक्ट हो सकते हैं, जहां हम अपने सामर्थ्य अनुसार गौशालाओं को हम कुछ कर सकते हैं। ये सब हमें करने की प्रेरणा तभी मिलेगी जब इस तरह के अंकुश लगेंगे और हम अपने बच्चों से वो सही हम उनको दे पाएंगे, सही खाद्य पदार्थ हम उनको दे पाएंगे। अब आपने इसके नुकसान कितने बार देखे होंगे कि कई बार बच्चों के अंदर एक अजीब सी आपने विचित्रताएं देखी होंगी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि बच्चा सही से रिस्पॉन्ड नहीं करता या उसका पढ़ने में मन नहीं लगता,
या उसका आईक्यू लेवल उतना अच्छा नहीं है जैसे और बच्चों का हो रहा है, या किसी, अब 10 में से 7 बच्चों के बीच में आपको ये डिफरेंस नज़र आएगा कि हर किसी का एक अलग है, उसका कारण ये भी है। मैं ये नहीं कहता कि यही है, ये भी एक कारण है। तो हमें समझना होगा कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों को वो माहौल दे रहे हैं, वो खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, वो दूध दे रहे हैं, जो सुबह और शाम, कई बार बच्चों को आदत होती है कि सुबह भी दूध लेना और रात को भी दूध लेना, सोते वक्त भी और उठते वक्त भी, तो दोनों वक्त हम वो पेस्टिसाइड उनको दे रहे हैं। शायद माएँ बड़ी खुश होती होंगी कि मैंने अपने बच्चे को दूध पिला के सुला दिया या दूध से जगाया, पर माओं को भी आज अफसोस होगा कि मैं वाकई में वो नकली दूध का पैकेट मैंने अपने बच्चे को पिलाया, जिसके कारण मेरे बच्चे में आज वो दिमागी समस्याएं हो रही हैं या किसी प्रकार का और डिफॉर्मेशंस दिखाई दे लगते हैं बच्चों में। तो ये सब समझने की ज़रूरत है। बाकी मेरे साइड में जो स्क्रीन पर चल रहा है, इसको आप ज़रूर देखिएगा, इसको आप डाउनलोड करके अपने पास ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको पता लगे कि सिंथेटिक दूध क्या होता है, असली दूध क्या होता है, और किस कितना हमारी खपत है। ये मैं बोल रहा हूँ, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि साइड में आपके चलता रहे। और इसी प्रकार से हम लोग कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, और कल कोई हमारा अलग टॉपिक होगा, मगर खाद्य पदार्थ ये हफ्ता पूरा खाद्य पदार्थ के ऊपर ही होगा। तो आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, हम लोग और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। पर आज हमने टॉपिक छोटा था, और छोटे के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण था, जिसको सुबह शाम हम अपने घर में देखते हैं। तो भारत @9 में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।